Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see inline styling in our React project. जी हाँ गाइस, आज कोड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कल के दिन तो हमने क्या देखा कि हम कैसे CSS जो प्लेन रेगुलर CSS है उसको अपने React project में ऐड कर सकते हैं एंड हमने बहुत कुछ समझा जाना भी. तो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि अब आप इनलाइन CSS को कैसे इंक्लूड कर सकते हो. एंड कल मैंने आपको एक टास्क दिया था कि ये जो इमेज मुझे इतने छोटे जो दिखाई दे रहे मुझे कुछ इस तरीके से करके आप बनाइए, या आपका मर्जी, आपको जैसा कार्ड बनाना हो आप बनाओ और नीचे कोड शेयर कर दो. ठीक है, तो इनलाइन CSS बताने से पहले जो छोटा मोटा CSS है उसको जल्दी से हम कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, एक सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं चलता हूँ. अभी फिलहाल app.jsx की नीड नहीं है, सोर्स पे मैंने चीजें रखी हुई है. यहाँ पे मैं चलता हूँ, मेन की भी मुझे कोई नीड नहीं है, इसकी भी अब मुझे कोई नीड नहीं है. एंड नेटफ्लिक्स कार्ड जो है अपनी जगह, चलो ठीक ही है ये. एंड वी हैव दिस सीरीज कार्ड. सबसे पहले फिलहाल आईडी की कोई नीड नहीं, तो मैंने आईडी को हटा दी. ठीक है, ताकि कोई वो रेड करके वार्निंग ना मिले अपने को. अब मैं एक काम करूंगा, जैसे ये मेरा एक इमेज है राइट, उसके लिए हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे डिव ली हुई है. मैं अब एक और डिव लेने जा रहा हूँ यहाँ पे फॉर आवर कंटेंट्स एंड इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ. चलो ठीक है, यहाँ पे क्लास का नाम मैं दूंगा, दैट इज आवर कार्ड एंड देन कंटेंट. स्पेलिंग सही लिख दीजिए खाली, कार्ड कंटेंट. ठीक है, एंड ये जो मेरा एलआई है इसको भी एक क्लास नेम मैं दूंगा एंड जिसको मैं कार्ड दे देता हूँ, या मैंने क्या दिया हुआ यहाँ पे एक बार मैं खुद ही देख लू, या इट्स अ कार्ड ओनली. ठीक है, सो इसको मैंने क्लास दी, इसको मैंने क्लास दी, परफेक्ट. अब मैं चलता हूँ मेरे netflix.css पे. तो सबसे पहले तो जो मेरा कार्ड है, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे अभी फिलहाल ये देख के कैसे एक अलग अलग लग रही, कार्ड वाली फील नहीं है. कार्ड वाली फील तब आती जब हम ना इस तरीके से एक बॉर्डर दे देते, एक समझ रहे हो, एटलीस्ट इतना तो भी अगर हम एक बॉर्डर दे या एक कुछ भी दे जिससे कार्ड वाली फीलिंग आ जाए. तो गाइस ये ना मैंने बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं दिए, मैंने यहाँ पे बॉक्स शैडो दिया हुआ है. तो मैं सिंपली सिर्फ एक बॉक्स शैडो को कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके मैं उसको पेस्ट कर दूंगा. सिंपल मैंने बॉक्स शैडो दी है. एंड इफ यू डोंट नो व्हाट इज बॉक्स शैडो देन आई हाईली रिकमेंड टू चेक आउट माय वर्ल्ड बेस्ट CSS कोर्स, है ना गाइस. इस वीडियो को आप एक बार बस देखना, जाके बॉक्स शैडो वाला एक सेक्शन देख लेना, आपको पता चल जाएगा, लाइक आप हुकअप हो जाओगे कि इतना ऑसम तरीके से कोई कैसे बता सकता है. क्योंकि मुझे फील होता है भाई, मैंने किया है ना, मुझे मालूम है ना कि जो मुझे चाहिए मुझे मिला नहीं, तभी तो वीडियो बना रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को वो दे सकूं मैं एट नो कॉस्ट. फिर भी आप देख नहीं रहे तो प्लीज देख लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए. ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक एक फीलिंग आ गई मुझे. अब लग रहा है ना कि एटलीस्ट भले ही आड़ा टेढ़ा हो, बट फिर भी कार्ड वाली फीलिंग अब मुझे आ गई, जस्ट बिकॉज ऑफ वन बॉक्स शैडो. दिस इज द पावर ऑफ योर CSS. ठीक है, अब रही बात इस इमेज को मुझे कंप्लीट यहां तक दिखाना, बहुत ईजी है. कोई भी होगा तो उसके माइंड में एक चीज आएगा, यार अभी तो छोटा क्यों ना मैं विड्थ 100% करके देख लेता हूं, अपना दिमाग लगाएगा नॉर्मल इस तरीके से, है ना, क्यों ना मैं विड्थ को 100% कर दूं खाली, क्या होता है, एंड बूम गाइस इससे खत्म. मुझे अब ये बताइए कि आप में से कितनों ने थोड़ा सा सोचा चलो एक बार मैं विड्थ 100% करता हूं एंड आपका ये काम हो गया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, ऑलराइट, इस तरीके से मेरा इतना काम हो गया, देखो कुछ नहीं किया, जस्ट एक विड्थ 100% एंड मेरा काम खत्म. परफेक्ट, ऑलराइट. नाउ अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये चिपके हुए, मुझे इसको चिपका के नहीं रखना, थोड़ा सा स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस जरूरी है, तभी वो खुल के दिखता है, एस्थेटिक तब जाके हमें मिलती है. सो दैट्स द ओनली रीजन व्हाई क्यों हमने यहाँ पे उसको कार्ड कंटेंट दी है. एंड देन अगेन वी हैव दिस कार्ड ऑल्सो, मुझे यहाँ पे भी चाहिए तो मैं काम करता हूँ. सो ये मेरा जो कार्ड कंटेंट है, वेयर वी हैव आवर कार्ड कंटेंट यहाँ पे. हालांकि एक बेस्ट पार्ट पता है क्या, बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मैं सिर्फ डॉट भी लिख दूं ना एंड कार्ड लिखूं तो मुझे ऑटोमेटिक सजेशन आ जाता है. लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको ये सजेशन आ रहा है कि नहीं, वरना खुद से टाइप करने में एक हालत ही खराब हो जाती है. सो व्हाट आई विल डू इज पैडिंग दूंगा ऊपर नीचे 1.2, आजू बाजू से 6 रैम. ठीक है, पैडिंग की स्पेलिंग रॉन्ग है तो मैं सही कर लेता हूँ. एंड अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है. एंड ओ माई गॉड सॉरी, इट्स अ 0.6 रैम. हाँ 0.6, तो अब या कहीं ना कहीं 0.6 में वो मजे नहीं है, तो 1 चल देते हैं क्योंकि साइड से मुझे नीचे ज्यादा. ठीक है, फिर भी चलो अभी इतना दिखाई दे रहा है, डोंट वरी इसको हम टैकल कर लेंगे. एंड मैंने कितना दिया हुआ है, ओ सॉरी मैंने पैडिंग थोड़ी ज्यादा दे रखी है, तो इसको 1.2 होना चाहिए था, है ना. तो या सी नॉट लुकिंग गुड. अब मुझे यहाँ पे इनलाइन CSS यूज करना है ताकि मैं ये जो पर्टिकुलर पार्ट है एंड इनके बीच में जो है मैं गैप दे सकूं, क्योंकि अभी चिपके हुए ना यहाँ पे, तो देखो ना कितना मस्त गैप है, देखो इसके बीच में गैप है ना, आप अगर देखो तो
ध्यान से देखोगे तो ये इतना ही है, इनके बीच में गैप है, देन हियर वी हैव इतना ही, इनके बीच में गैप है, एंड देन हियर वी हैव दिस, इतना ही इनके बीच में गैप है, एंड हियर ऑल्सो वी हैव अ गैप, हियर ऑल्सो वी हैव अ गैप। तो ये सारी चीजें मुझे चाहिए, ठीक है। अब मैं उसको इनलाइन के थ्रू करके दिखाऊंगा, एंड इवन ये जो मेरा बटन है जो कुछ अभी ऐसा दिख रहा है उसको मुझे ये करना है अगेन यूजिंग इनलाइन सीएसएस, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ चीजें लिख के रखी कि अगर आपको इनलाइन सीएसएस यूज करना है इन जावास्क्रिप्ट, सो इन रिएक्ट इनलाइन स्टाइल्स इन रिएक्ट आर स्पेसिफाइड यूजिंग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, इसको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी नेम्स आर रिटन इन कैमल केस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सीएसएस कबाब केस, समझ रहे हो। मैं आपको बताता हूँ, एक तो क्या है ये, दे आर ट्रीटेड एज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। लेट्स गो ओवर हियर, लेट्स टैकल आवर समरी, समरी पे मैं चलता हूँ। आप एक बात बताओ, जब आपको नॉर्मल इनलाइन सीएसएस लिखना होता हम क्या करते, हम स्टाइल ही करते, हम कुछ इस तरीके से करते थे। नॉर्मल एचटीएमएल के अंदर अगर मुझे इनलाइन सीएसएस चाहिए रहता तो मैं ये करता, बट इन रिएक्ट आपके ये जो भी इनलाइन सीएसएस है उनको वो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है। अब ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है मतलब क्या, ऑब्जेक्ट किसके अंदर आता है, ऑब्जेक्ट आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर जाना पड़ेगा। सो जब भी हम एक सिंगल कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, इट मींस नाउ वी आर प्रोवाइडिंग अ वैल्यू या डायनेमिक वैल्यू आप कह सकते हो। अगर इसको और सिंपलर टर्म में मैं आपको बताऊं, देन ये आपका जावास्क्रिप्ट की दुनिया का एक एंट्री गेट है कि अगर जेएसएक्स के अंदर आपको जावास्क्रिप्ट की कोई भी प्रॉपर्टी एक्सप्रेशन यूज करना रहा देन हमें कर्ली ब्रेसेस यूज करना पड़ता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन अब मुझे तो इसमें इनलाइन सीएसएस यूज करना है, एंड रिएक्ट में इनलाइन सीएसएस को हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। एंड एक बात बताओ, अगर आपको एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता तो क्या करते, एक काम करो, चलो पहले ऑब्जेक्ट नहीं मुझे बता दो, पहले अगर आप एरे क्रिएट करना होता आप क्या करते, क्या करते, आप एक स्क्वायर ब्रैकेट देते इस तरीके से, तब आपका एरे बनता। लेकिन अब आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये इस तरीके से ऑब्वियस है ना, राइट। हमने ये क्या, एक आपका ऑब्जेक्ट ही तो है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग हो रही है यहाँ पे। कल के एक और मेरे को ऑब्जेक्ट चाहिए, जैसे बायो डेटा, बायो एंड देन डेटा, तो मैं क्या करता ऐसे करके नेम एंड देन यहाँ पे विनोद, ऐसे करता कि नहीं, है ना सिंपल। आप देखो ना, कर्ली ब्रेसेस, वी हैव अ की एंड देन वी हैव अ वैल्यू, की को आप कोई डबल सिंगल कोट नहीं देते बट वैल्यू को आपको डबल कोट देना पड़ता है। तो ये आपका ऑब्जेक्ट रहता है नॉर्मल तरीका, तो यहाँ पे भी सेम वही है। लेट्स इमेजिन मुझे मार्जिन ऊपर एंड नीचे दोनों साइड से मुझे गैप चाहिए, सो वी हैव अ मार्जिन, ठीक है, जिसपे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऊपर नीचे से मुझे 1.2 रैम का मुझे स्पेस चाहिए। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है, यूनिट्स फॉर मोस्ट न्यूमेरिक वैल्यूज यू नीड टू स्पेसिफाई यूनिट्स एज अ स्ट्रिंग। जी हाँ गाइस, आपको ये जो भी वैल्यू होगा उसको एज अ स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं एंड ऑब्जेक्ट में वी हैव अ की एंड देन वैल्यू, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, एंड वैल्यू को अपने को डबल या सिंगल कोट में लिखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे भी आपको सीएसएस की जो वैल्यू उसको एक ऑब्जेक्ट वैल्यू ही समझना है, लेकिन देयर इज सम एक्सेप्शन एंड दैट इज की सम प्रॉपर्टीज लाइक जी इंडेक्स या जेड इंडेक्स, जब भी आप लिखोगे तो वहां पे आप जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको डायरेक्टली लिख सकते हो, आपको डबल कोट सिंगल कोट लिखने की नीड नहीं है, बिकॉज ये तो आपका एक इंटीजर हो गया ना, जिसपे आप कोई यूनिट्स डिफाइन नहीं कर रहे हो, लाइक पिक्सल रैम वगैरह डिफाइन नहीं कर रहे हो, देन आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये आपका सेकंड पॉइंट था, आपको मेक श्योर करना है। सो आई होप गाइस आपको ये सेकंड पॉइंट भी पता चला होगा, हालांकि फर्स्ट पॉइंट का एक मेन चीज अभी तक मैंने नहीं टैकल की है, मैं अभी करूंगा, एंड दैट इज की कैमल केस, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड ऑल राइट, तो मैं वापस बैक टू हियर लाइक आवर कोड, एंड कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे। सो इसको मैं क्या करूंगा, इस तरीके से कोड्स के अंदर, एक सेकेंड या, ठीक है, ये ऊपर और नीचे से एंड आजू बाजू से मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने इस तरीके से मेरा एक इनलाइन सीएसएस को आप लोगों के लिए कर देता हूँ इस तरीके से। देखो ये है मेरा इनलाइन सीएसएस लिखने का तरीका। वन मोर टाइम, डबल कोट इसलिए क्योंकि गाइस हम क्या कर रहे हैं, पहले तो जावास्क्रिप्ट की दुनिया में एंटर कर रहे हैं एंड मुझे फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसलिए ये डबल कोट सिंपल, बस यही है सिंपल सा, और क्या है इसमें। ये देखो कितनी इजीली मुझे इन समरी के ऊपर एंड समरी के नीचे मुझे गैप मिल गए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसी को ही कॉपी कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ एंड ऑब्वियसली यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं ये करता हूँ तो ये देखो कितने प्रॉपर तरीके से मुझे हर जगह से गैप आ गया, राइट।
बताइए गैप आए कि नहीं आ गया, राइट। तो यही तो है आपका इनलाइन सीएसएस। कल की वीडियो में हमने देखा प्लेन रेगुलर सीएसएस, आज हम देख रहे इनलाइन सीएसएस। नाउ जब भी आप इस तरह किसी इनलाइन सीएसएस लिखते हो, आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है कि अरे ये तो टेलविन सीएसएस भी तो ऐसे ही है, उसमें भी तो पूरा इनलाइन ही तो लिखना पड़ रहा है, इसलिए मैं टेलविन इतना यूज नहीं करता हूं। बट एक चीज तो डेफिनेटली है एंड दैट इज हर एक जगह यू नो ये चारों लाइन ऑफ कोड में मैंने सेम पीस ऑफ कोड को चिपका दिया, तो ये तो डू नॉट रिपीट योर सेल्फ जो एक रूल है उसको ही फॉलो नहीं कर रहा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, आप सोचो दिमाग में कि मैं क्या कर सकता हूं। एक चीज तो ये है कि एटलीस्ट आप इसके बदले भाई क्लास दे दो, यहाँ पे क्लास नेम देके क्लास दे दो हर जगह एंड उसको यहाँ पे डिफाइन कर दो, एक आपका वो काम आप कर सकते हो। बट अगेन वही है कि हर जगह सेम 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 क्लास नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं था उसमें भी। लेकिन एक मैं आपको बताता हूँ, ये सब मैं हटा रहा हूँ, ये दिखाने के लिए था, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, मैंने हटा दी, राइट। मैंने क्या कर दिया गाइस, इसको हटा दी। अब मुझे इनके बीच में गैप चाहिए, अब अगेन वो भी मुझे सीएसएस के थ्रू ही करना है। तो अब आप दिमाग लगाओ कि मैं क्या कर सकता हूं, समझ रहे हो। इसी जगह पे ही गाइस आपने जो भी अभी तक पढ़ा है वो काम आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो भी हम कर रहे हैं, वी हैव अ कार्ड कंटेंट। कार्ड कंटेंट में हमने हजार बार पढ़ा है ना डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। इतना अगर मैं कर दूं तो ये देखो सब साइड बाय साइड हो गए, आई मीन कॉलम वाइज हो गए। बट अब मुझे एक के नीचे एक चाहिए, देन वी हैव अ फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है कॉलम में कर दूंगा, सब एक के नीचे एक आ गए। तो अभी जो मैंने दो लाइन ऑफ कोड लिखा वो लिखना ना लिखना एक बराबर ही है, क्योंकि आपका दिखता वही है। बट नाउ हमें एक पावर मिल चुका है एंड दैट पावर इज, अब मैं गैप प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ, जहां पे मैं 1.2 रैम लिख दूंगा एंड बूम गाइस, ये देख लीजिए कैसा लगा आपको, था ना कितना ज्यादा ऑसम। एंड द ब्यूटी इज जब भी आप गैप प्रॉपर्टी यूज करते हो, राइट, मैं बॉटम पे चलता हूँ, द ब्यूटी इज कि यहाँ पे अगर मैं चलूं एक सेकेंड में, अगर कार्ड कंटेंट पे वी हैव दिस फ्लेक्स, ये देख लीजिए आप बहुत क्लियरली देख सकते हो एक, अरे हाँ चलो परफेक्ट दिख रहा है मुझे, बहुत क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे देखो जब भी आप फ्लेक्स यूज करते हो ना, फ्लेक्स ऑलवेज जो गैप है वो इनसाइड एलिमेंट, आई मीन एलिमेंट के जो अंदर है। लाइक ये एक पार्ट देख लो, यहाँ पे मुझे गैप मिला, ये मेरा दूसरा था तो मुझे यहाँ पे गैप मिला, यहाँ पे मुझे गैप मिला, यहाँ पे मुझे गैप मिला, यहाँ पे मुझे गैप मिला। बट याद है जब भी हम ट्रेडिशनल तरीका यूज करते थे मार्जिन पैडिंग देने के लिए या एलआई को कंप्लीट दे देते थे, तो एक प्रॉब्लम होता था, वो ये ऊपर भी गैप दे देता था, बॉटम यहाँ पे देखो यहाँ पे भी गैप दे देता था। ट्रेडिशनल तरीके में हम क्या करते थे, जो भी लास्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करते थे, एलआई कॉलन लास्ट चाइल्ड मार्जिन पैडिंग जीरो, फर्स्ट चाइल्ड मार्जिन पैडिंग जीरो, कितना प्रॉब्लम होता था, राइट। आई होप आप समझ रहे हो अगर आपने पहले टैकल किया पहले कैसे होता था। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ गैप, ये सिर्फ विद इन एलिमेंट्स के अंदर ही गैप देता है एंड ऊपर और नीचे बिल्कुल भी गैप नहीं देता है, जो कि एकदम परफेक्ट बनाता है कि कैसे अब आप इस तरीके से इन बिटवीन अगर एलिमेंट के बीच में गैप देना हो तो आप दे सकते हो। तो ये हैक मैं नहीं बोलूंगा, इट जस्ट एक एक्सपीरियंस है, जब आप काम करते रहे तो आपको पता चल जाता है कि हाँ करने के तो हजारों तरीके, लेकिन उन हजारों में भी एक या दो तरीके ऐसे है जो बेस्ट है, जो आंख बंद करके आप यूज कर सकते हो। इस केस में यही था, वरना मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले कितना मेरे को इनलाइन करना पड़ रहा था, धनाधन धनाधन धनाधन, बट उसको हटा दी मैंने यहाँ पे, अब सिंपल हो गया मेरा काम, राइट। बट नाउ लेट्स टैकल आवर बटन इनलाइन के थ्रू, एंड इनलाइन के थ्रू भी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, फिर ध्यान से देख लीजिए। सो यहाँ पे हम चलते क्लास नेम, और सॉरी क्लास नेम नहीं दे सकते आप, स्टाइल, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर गया, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना था, ठीक है, मैं इस तरीके से एंड्रॉइड देके भी काम कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मुझे पैडिंग चाहिए होगा, पैडिंग या परफेक्ट जो कि मैंने दे रखी है कितना 1.2 रैम ऊपर और नीचे से एंड साइड से मैंने इतनी दे रखी, चलो ठीक है। तो अगर इतना भी मैं करता हूँ तो कुछ जो आपका इतना हो गया परफेक्ट। एंड मेक श्योर कभी भी आपको कॉमा नहीं देना, क्योंकि अगर आप मल्टीपल सीएसएस लिखते थे इनलाइन में तब हम सेमी कॉलम देते थे, बट ये तो एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आप सेमी कॉलम नहीं कॉमा देते हो। मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, सो बॉर्डर एंड देन मैं कर दूंगा इसको नन। अब मैं डायरेक्टली नन भी नहीं लिख सकता, मुझे इस तरीके से नन लिखना पड़ेगा, तो मेरे वो बॉर्डर भी चल गए, परफेक्ट। मुझे फॉन्ट साइज चाहिए, अब ध्यान से देखना हम फॉन्ट साइज ऐसे लिखते थे, याद है हम फॉन्ट साइज ट्रेडिशनल सीएसएस में आपको अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिखते थे, बट यहाँ पे क्या बोला देखो ना, फर्स्ट पॉइंट में ही प्रॉपर्टी नेम्स आर रिटन इन कैमल केस इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल सीएसएस कबाब केस, तो वो हम पहले कबाब केस यूज करते थे, बट नाउ वी नीड टू यूज कैमल केस। ये देखो फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड कलर, इस तरीके से। तो यहाँ पे चलते हैं बैकग्राउंड साइज
एंड 1.6 एंड देन रैम, इतना मैं लिख देता हूँ। तो अब आपको कुछ इतना ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है। अब मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, सो हियर वी हैव अ बैकग्राउंड एंड देन कलर, आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। अब एक ब्यूटी मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट की थी अभी थोड़ी देर पहले index.css पे, तो मैं ऑलरेडी गाइस आप देख सकते हो कि मैं css वेरिएबल यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या यूज कर रहा हूँ? css वेरिएबल्स, ताकि एक बार मैं अगर ये जहां पे भी मैं यूज करूँ ना इस पर्टिकुलर कोड को, तो अगर 100 जगह पे होंगे तो मैं खाली यहाँ से उसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, बाकी वेरिएबल अपने आप वो चेंज हो जाएगा। तो दिस इज द ब्यूटी एंड दैट्स वाई। तो ये जो मेरा बटन हवर, मैंने कौन सा कलर दिया हुआ है, बटन हवर बैकग्राउंड कलर, ये वाला जो भी है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। डोंट वरी, सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आज के वीडियो में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं यहाँ पे आता हूँ इस जगह पे, देखो वी नीड टू राइट वेयर एंड आपको ये इस तरीके से पास कर देना। अगर मैं सिर्फ इतना भी लिखता हूँ तो ये देखो मेरा कलर चेंज हो गया। अब ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कलर भी चेंज करना होगा। सो गाइस अगेन यहाँ पे उसके लिए भी सेम वही पीस ऑफ कोड है। मैं जानबूझ के आपको इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। वेरिएबल्स को भी आप यूज कर सकते हो इनलाइन सीएसएस में, मेरा मेन मकसद है आप लोगों को बेस्ट दिखाना। एंड यह मेरा काम हो गया सी। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा आपको देखने में कि एक तरफ तो हर जगह जेएसएक्स है, ये कहाँ से इनलाइन आ गया भाई, और इतने सारे कोड क्या कर रहे सीएसएस के यहाँ पे जेएसएक्स के अंदर, अच्छा नहीं लग रहा ना। तो इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने बोला है परफॉर्मेंस कंसिडरेशन। सो गाइस यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, वी हैव दिस परफॉर्मेंस कंसिडरेशन, जहाँ पे बताया कि अगर आप इनलाइन स्टार्ट डायरेक्टली विद इन द जेएसएक्स यूज करते हो, इट कैन लीड टू परफॉर्मेंस इश्यू बिकॉज अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑन एवरी रेंडर। मतलब जब जब ये रेंडर होगा तब तक एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि सही नहीं है। सो टू अवॉइड दिस हमें क्या करना चाहिए, वी नीड टू डिफाइन स्टाइल्स आउटसाइड ऑफ द रेंडर मेथड और एज अ कॉन्स्टेंट। क्या है मैं बताता हूँ, नाउ देखो हमें मालूम है क्या एक ऑब्जेक्ट है, ये तो एक ऑब्जेक्ट है राइट। इसको मैंने हटा दी, टॉप पे मैं चलूंगा। सो लेट्स गो विद कॉन्स्ट बटन हाइफन स्टाइल, सॉरी इनको मैं बटन स्टाइल इक्वल टू ये पेस्ट, दिस इज इट। ये है तो एक ऑब्जेक्ट ही राइट, मैंने ऑब्जेक्ट ही लिखा था, जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, बस उसको मैंने प्रॉपर तरीके से एक ऑब्जेक्ट में असाइन कर दी बटन अंडरस्कोर स्टाइल पे। अब मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल एस एफ सी। ये भी आपका इनलाइन सी एस एस ही है, लेकिन एक सुंदर तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हुआ है। तो देख लीजिए, ये भी आपका इनलाइन सीएसएस ही है, लेकिन एक सुंदर एक ब्यूटीफुल फॉर्म में। पहले पूरा कैसा खिचड़ी लग रहा था, बट अब देखो वाओ स्टाइल के अंदर एक बटन अंडरस्कोर स्टाइल क्या है, ये वो एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपका सीएसएस ही है। एंड मेरा काम हो गया, कितनी इजीली हमने इसको कर ली। कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मेरा ये काम हो गया। देख लीजिए, तो जो जैसा था वैसा ही है अभी भी, बट नाउ ये कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है। मैंने आपको तरीके बताए कि कैसे आप इनलाइन सीएसएस लिख सकते हो, कैसे होना चाहिए, क्या क्या टिप्स है जिसको आपको ध्यान में रखना जब आप इस तरीके से इसको क्रिएट करते हो। सो या गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है। देखो जैसे यहाँ पे है वैसे हमने भी बनाया कि नहीं, एक सेकेंड, एक चीज है, रेटिंग यहाँ पे थोड़ी छोटी कर दी है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है। नाउ गाइस इज इट अगेन टास्क फॉर यू कि अब आप इनलाइन सीएसएस की मदद से ये जो पर्टिकुलर रेटिंग है उसका फॉन्ट साइज कैसे कम कर सकते हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो गाइस बताना चाहूंगा, प्लीज ये वाला जो सीएसएस की वीडियो को जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों को भी भर भर के शेयर कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, बुरा लगे तो भी कमेंट कीजिए, कहां मैं कमी कर रहा हूं, कहां मैंने जल्दी बोला या फास्ट बोला या धीरे बोल रहा हूं, आप क्या मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि आप ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑल राइट गाइस, तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।